अब कोरबा की करेंगे, जहां पर जर्जर सड़क पहले से ही शहरवासियों के लिए मुश्किल बनी हुई थी। ऐसे में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कोरबा के इमली डुग्गू से बरबसपुर के बीच जर्जर हो रही सड़क पर लावालब पानी भर गया है, जिससे कई वाहन चालक सड़क के गड्ढे में गिरकर घायल हो गए हैं। लगातार हादसे की खबर मिलने के बाद प्रशासन को होश आया, जिसके बाद आनंद फानन में सुधार कार्य कराया गया। अब नगर निगम ने 2.5 करोड़ की लागत से यहां पर नाला निर्माण कराने का फैसला लिया है। बीच में भी इसको टेम्परेरली रिपेयर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कंटिन्यूअस पानी भी जो है हर हफ्ते में गिर जा रहा है और भारी वाहनों का इसमें ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी आज थोड़ा डैमेज कुछ ज़्यादा दिख रहा है। तो जैसे शिकायत मिली थी, पूरा हमारे कांग्रेस परिवार के भी साथी और नगर निगम के पूरे अधिकारियों के साथ आज इसका दौरा किया गया। बढ़ता तो बिजली बाहर से जाती है, पूरा गड्ढा निर्मित हो जाता है, इसलिए इसका तत्काल टेंडर किया गया है। टेंडर कल खुल भी गया है, तो इसको तत्काल काम शुरू करेंगे। अभी वैकल्पिक व्यवस्था जैसे लोगों ने बताई, तो हम लोग पहुँचे हैं और महापौर जी भी आ रहे हैं, अधिकारी लोग भी पहुँचने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, लोगों को गाड़ियाँ ना फंसे। मौसम बरसात हुई है, उसके कारण पानी सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं, उसमें जम गया है, और इससे जो छिटपुट घटना है, जैसे बताया जा रहा है कि कुछ स्कूटी वाले जो लोग गिर गए हैं, इसके लिए हम लोग को राशि की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस कार्य का टेंडर भी किया जा चुका है और बहुत ही शीघ्र ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। राजकिशोर प्रसाद नगर निगम महापौर कोरबा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस पर। मरम्मत कार्य कराने के लिए हादसों का इंतजार किया जाता है नगर निगम के द्वारा, उसके बाद मरम्मत कार्य कराया जाता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका बहुत पहले डीओटी में था, बहुत पहले डीओटी के बाद ये रोड एनएच को ट्रांसफर कर दिया गया, तो नगर निगम का ये अधिकार क्षेत्र भी नहीं था इसमें काम करने का। अभी तत्कालिक जो कैजुअल रेनफॉल की वजह से जो रोड में कुछ गड्ढे वगैरह बन गए थे, तो इसको अभी अपने नगर निगम जो है अपने लेवल पे तत्कालिक रिपेयरिंग का काम चालू किया है, वो हो भी गया आजकल में, और उसके लिए 2.5 करोड़ का ऑलरेडी मेंटेनेंस का टेंडर निकल चुका है, टेंडर गिर चुका है और प्रक्रिया में है। हफ्ते भर के अंतर्गत जैसे ही वर्क ऑर्डर होगा उसको अच्छे से रिपेयर कर लिया जाएगा और आवागमन सुचारू हो गया है जी। लेकिन आवागमन तो अब सुचारू हो गया है, इससे पहले तो कई हादसे हो चुके हैं, निगम हमले को कई बार शिकायतें की गई थी, इसके बावजूद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पहले भी जो कैजुअल रिपेयरिंग निगम के द्वारा किया गया था, क्योंकि वो रोड अपने निगम के उसमें नहीं था, अधिकार क्षेत्र में नहीं था, हमने तरफ से भी। शुक्रिया राजकिशोर प्रसाद जी। नगर निगम कमिश्नर राहुल देव हमारे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। राहुल देव जी, स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस पर। राहुल देव जी, सुन पा रहे हैं मुझे? तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज मेरे सहयोगी कोरबा से लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज, आपके पास आना चाहूंगा। मनोज, आनंद फानंद में निगम प्रशासन ने मरम्मत कराई है, हादसों का इंतजार किया जाता है, कितने दिन से शिकायतें निगम अमले को मिल रही थी कि सड़क यहाँ पर खराब है, और अब तक किस तरह से हादसे यहाँ पर होते हैं, जरा चाहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाएं दर्शकों के लिए आज से। जी शिवम जी, आपको बताना चाहूंगी कि कोरबा एक औद्योगिक नगरी है और जिले पर जो भारी वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है, और कहे कोरबा चांपा जो मुख्य मार्ग है, ये अभी के बाद में शुरू से ही जो है यहाँ जर्जर सड़क की हालत रही है। यूं कहे गड्ढे पर सड़क है, सड़क पर गड्ढा, आए दिन यहाँ जो हादसे होते रहते हैं, और अभी फिलहाल रही मिडकू गौ माता चौक के पास, यहाँ काफी लंबे समय से जर्जर सड़क है और लोग जो है आवाजाही मुख्य मार्ग से ना करते ट्रेन से कर रहे हैं। यहाँ तक के संजीवनी और 112 महतारी एक्सप्रेस भी इसमें आने में काफी लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार लोग जो है इस मुख्य मार्ग से ना जा करके जांजगीर चांपा की ओर से यात्रा कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार नगर निगम को इसकी शिकायत की है, स्थानीय पार्षद आए हैं और जनप्रतिनिधि भी आंदोलन तक किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है। नगर निगम महापौर कह रहे थे कि अभी मरम्मत फिलहाल करा दी गई है। जी फिलहाल में लगातार घटना घट रही है, उनको देखते हुए लोगों की शिकायतें भी काफी मिल रही थी नगर निगम को। इस हालात को देखते हुए जो है नगर निगम महापौर सभापति और आयुक्त मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को
देखते हुए तत्कालिक तौर पे जो है मरम्मत कार्य कराया गया। मनोज, कितने दिन से सड़क जर्जर थी और कितने दिन से लगातार अमले को सूचना दी जा रही थी लोगों की तरफ से? जी, आपको बताना चाहूंगा सुमन जी की कुछ माह पहले ही पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शन किया था। इसे लेकर यहाँ तक के प्रदर्शन के बाद राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने जल्द ही रोड को मरम्मत और कोरबा मतलब छत्तीसगढ़ के नंबर वन सड़क बनाने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जर्जर हालत वही के वही है। आज भी लोग कोरबा चापा मुख्य मार्ग पर जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसे लेकर जो है लोगों में काफी आक्रोश है। कहे कोरबा चापा मुख्य मार्ग ही नहीं, शहर के कई ऐसे मार्ग हैं जहां जर्जर सड़क बदहाल। निश्चित रूप से बदहाल सड़क का दौर किस तरह से यहां पर है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। हादसों का इंतजार किया जाता है, उसके बाद मरम्मत कार्य कराया जाता है। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी साझा करने के लिए।